सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? होप के अंदर अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट में आयरन फार्म, जो कि सर्वाइवल में अपने वर्क 100% करेगा, पॉकेट एडिशन और यहाँ तक कि जावा में भी वर्क करने वाला है। और इसका प्रूफ मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं, लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी और काफ़ी ज़्यादा लेट होगी, इसलिए सॉरी यार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी एक सब्सक्राइब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं, लाइक कर दो। तो जो भी अपने को सामान चाहिए होगा वो भी अपने लिस्ट सामने रख लेता हूँ और सबको कलेक्ट करना है। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। तो सिंपल से अपने को इन चीज़ों की मेन मेन जरूरत पड़ेगी, तो इन सब का कलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले अपने स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। और अगर पूरी रिकॉर्डिंग दिखाते थे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, और मेरी लॉन्ग वीडियो तो पता ही कौन नहीं देखेगा। तो फटाफट से अपने स्टोन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद काफ़ी सारा आयरन चाहिए होगा जो हमने कलेक्ट कर लिया इधर से भी। और उसके बाद आयरन को अपन ने सिंपल से स्मेल्ट करने के लिए रख दिया अपने हाउस में जो पिछली बार बनाया था। उसके बाद अपने को लीव चाहिए होगी, जो लीव अपने आसपास में जो पेड़ है वहीं से कलेक्ट कर लेंगे। तो फटाफट से अपन लीव कलेक्ट कर ले, जो कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऑलमोस्ट 2 स्टैक के आसपास। उसके बाद अपने को जो रेल चाहिए होगी, ताकि अपन जो विलेजर्स हैं उनको ऊपर ले जाकर बैठा सकें, क्योंकि उनको भी तो वहाँ पर पहुँचाना होगा, जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। माइनक्राफ्ट वगैरह सब कुछ, जो अदर चीज़ जो मैंने लिखी थी सब बना लेते हो। अब यहाँ पर आते फिर सिंपल से कोई जगह चूज़ कर लेनी, 1, 2, 3, 4, और आप 5 लोग ऊपर ले लेना अच्छी तरीके से वर्क कर, क्योंकि मैं नीचे साफ करने वाला हूँ। 2, 3 नीचे आ जाना और सिंपल से 4, 5, 6 ऐसे करके अपने को 14 ब्लॉक एक साइड इस साइड लगा देना है। वो जो आपने एक पहले लगाया था उसको भी साथ में गिनना है, ठीक है? वापस इस साइड आपको 14 ब्लॉक आ जाने का है फटाफट से। इधर 14 ब्लॉक कम्प्लीट होने के बाद वापस आपको इधर 14 ब्लॉक आ जाना है। और इधर आके गड़बड़ हो गई थी, आपको गिन के बराबर 14x14 का ये बना लेना है, ठीक है? इधर भी अपने को 14 कम्प्लीट हो जाए तो सिंपल से इसको पीछे खींच लेना, जो इधर से पीछे छूट गया था। इधर कंप्लीट होने के बाद अंदर जो फिलिंग है वो सब कर देना है। और अगर आपको स्टोन्स की कमी हो तो मैंने काफ़ी टाइम पहले स्टोन फार्म का वीडियो बनाया था, वो जगह देख लेना और वहाँ से आप कब से स्टोन ले सकते हो। ये 14x14 का कंप्लीट हो चुका है अपने स्क्वायर। तो सिंपल जब यहाँ से नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरने के बाद अपने को 2 ब्लॉक वापस ऊपर लगाने, तो इधर रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा कोई नहीं ध्यान दिया, तो वापस इधर सिंपल से 1 और 2 ब्लॉक ऊपर लगा दें और अपने को 4 दिशा से ये काम करना है। तो फटाफट से ये काम कंप्लीट करके फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो फिर फाइनली मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। और इधर से आपको किसी भी एक कॉर्नर पे जाना है और एक तरफ पैसे चारों की तरफ ब्लॉक लगाना है, उसके सामने जाके आपको 3 ब्लॉक ऐसे कॉर्नर पे लगा देने हैं। उसके बाद आपको वाटर चाहिए होगा इधर, वैसे वो जावा वाला काम तो नहीं करता ट्रिक, इसलिए मैं नीचे से बार बार ला के ये कंप्लीट कर चुका हूँ। और सामने वो 3 साइड उधर भी लगा देना है, भूलना नहीं है, ठीक है? और जो ब्लॉक लगाए थे अपने इधर और उधर सामने 3, इधर भी अपना वाटर छोड़ना है। और बस इधर जो 3x3 का जो ब्लॉक बचेंगे उसको तोड़ देना है और नीचे से इसको अपने ऐसे कवर कर देना साइड से, ताकि वो गुलम वगैरह वो बाहर नहीं निकले। सिंपल से अपने कंप्लीट कर लिया। इधर चेस्ट होगी, चेस्ट लगा लेते हैं। और नॉर्मल जो हॉपर अभी चाहिए मेरे पे, तो जितने हैं उतने लगा लेता हूँ। और ध्यान रखना हॉपर एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, वरना ये सामान बीच में अटक के रह जाएगा और तुम बोला कि भाई वर्क नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ कोई ऐसा मत बोलना, और कुछ गड़बड़ हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपकी हेल्प करने का ट्राई करूँगा। इधर गलती से लग गया, अभी मेरे पास कवर करने के लिए कुछ है नहीं, तो सिंपल से अभी जो है वही लगा देते हैं, वरना जो अगर मान लो गोलम आएगा तो वो बाहर निकल जाएगा, फिर उसको वापस मारना पड़ेगा। आसपास गोलम नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई विलेजर या बैड नहीं होना चाहिए, ठीक है? अभी सिंपल से 1 और 2 ब्लॉक इस साइड से जहाँ पे अपन ने वो वाटर लगाया था उधर से आके 1, 2 और ऐसे करके 10 ब्लॉक लगा देने आगे, उसको 3 ब्लॉक बाहर खींच लेना सिंपल से, जैसे मैंने खींच लिया। अब ऊपर आने के बाद जो भी आप मतलब विलेजर्स का जो होता है टेबल, वो कोई भी अगर आपको 21 लगा देना, कम से कम 21 से ज़्यादा लगा हुआ चलेगा, पर कम से कम 21 होना चाहिए। इधर अपने को चारों तरफ से पैक कर देना, ताकि इधर उधर गोलम स्पॉन ना हो। और अपने सिंपल से अभी जो लीव्स लीजिए आपसे ऊपर लगाओ, ताकि इधर इधर लगा दें जहाँ जहाँ पर मैं लगा रहा, ताकि गोलम यहाँ पे स्पॉन नहीं हो जाए, और क्योंकि यहाँ पे स्पॉन हो जाएगा तो वो मरेगा नहीं। तो सिंपल से मैं चारों तरफ लगा लेता हूँ अभी। सिंपल सी मेरा यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जहाँ पे 3 ब्लॉक तोड़ के वहाँ पे नीचे आके आप कम से कम 9 जो ये फेंस या जो भी बोलते हैं उनका नाम मालूम नहीं है, ये ला के आपको लगा देने 9। अभी मेरे पे 3 ही लेके आया हूँ, मैं वापस जाके लेके आना पड़ेगा। क्राउच करना है यहाँ पे, वरना नहीं लगेगा नहीं। क्राउच करना है सिंपल से, आपको यहाँ पे लगा देना है 1, 2 और 3। यहाँ पे 6 कंप्लीट हो चुके हैं, अब मेरे को और सॉरी 5 हो गया, वापस और लेके आने होंगे। तो मैं लेके आ गया हूँ बना करके फटाफट से, और यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे लगा देता हूँ। ये भी लग गया और इधर भी, और कंप्लीट लास्ट वाला बाकी है, और यहाँ पे 9 लगाने टोटली, ठीक है? और इधर से अभी सिंपल से बंद कर देते हैं, ऊपर जाना है और यहाँ पे बीच में आपको लावा जो क्राउच करके लगाना, मतलब नीचे बैठ के, वरना लावा प्लेस नहीं होगा। अभी ऊपर चले जाते हैं इधर को, और ये कोई बात नहीं, अभी वो उसको तोड़ना पड़ेगा। अभी देखो मैं विलेजर्स लेके आ गया, काफ़ी टाइम लग गया मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और उसके बाद विलेजर को मल्टीप्लाई मतलब ब्रेड दे दे के खिला पिला के बहुत ज़्यादा बढ़ाने में भी बहुत टाइम लग गया मेरे को।
ये मतलब इसलिए वीडियो मेनली बहुत ज़्यादा लेट हुई है, मतलब 3 दिन ऑलमोस्ट रियल लाइफ के 3 दिन लग गए। तो उसको छोड़ो, अभी यहाँ पे 1 और 2 ब्लॉक छोड़ के वहाँ पर आपको 1, 2 और 3 ब्लॉक ऊपर लगा देने हैं। इसके बाद आपको 6x6 या 6x7 जैसी मर्जी आप मतलब लगा के ब्लॉक का एक प्लेटफॉर्म बना लेना है। मतलब 6 ब्लॉक इधर 3 ब्लॉक इधर 3 ब्लॉक इधर और 7 ब्लॉक पीछे को, और बीच का जितना भी है पार्ट उसको फिल कर देना है। और जितने मतलब कम से कम आपको 21 बेड तो लगाना ही लगाना है, तो क्या ताकि वो विलेजर्स उसको एक्सेस भी कर पाए। उस पर जो हरा हरा चमकीला आता है वो भी ध्यान रखना, अगर आ जाए तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो फिर विलेजर्स उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब लास्ट वाले पर कम से कम आ जाना चाहिए। तो जितने भी बैट्स पड़े हैं वो सारे अभी फटाफट से प्लेस कर देते हैं। जितने भी बैट्स सारे प्लेस कर दिए, अभी अपने को सिंपल से जो नीचे के ब्लॉक से वो सारे तोड़ देने, वरना गोलम स्पॉन नहीं हो पाएगा। तो फटाफट से ये ब्लॉक भी मैं तोड़ दे रहा हूँ, ये ब्लॉक्स तोड़ दिए। अभी आपको सिंपल सी प्रूफ दे दे, इतना ही काम था, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको सिंपल सी यहाँ पर प्रूफ देने, ये देखो भाई साहब, ये देखो एक और गोलम भी आगे साथ साथ में पीछे, देखो अभी रिकॉर्डिंग देखो साथ में आपके सामने ऑन थी, आप वाटर का फ्लो देख सकते हो साथ में, एकदम से यहाँ पर गोल्डन स्पॉन हो गया। अभी सिंपल सी ये, और अरे कोई बात नहीं, सीखेंगे कोई बात नहीं। एक तो गोलम पहले से मर चुका है, और काफ़ी टाइम पहले से वर्क कर रहा था, क्योंकि मैं मतलब बीच में रिकॉर्डिंग छोड़ के चला गया था। अभी देखो 25 थे और ये 29, यानी 4 और मिल गए। इसका मतलब ये फार्म तो 100% वर्किंग है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। यार मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, आप पे एक लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे 500 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट और फटाफट से 1000 की तरफ भी बढ़े। और अदर गेम्स को खेलना हो तो प्लीज़ कमेंट में जाकर बता देना, कुछ प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट में जाकर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।